गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईके फिटर एम के माध्यम से हैमर मतलब हथौड़ी के बारे में बताएंगे कि हथौड़ी क्या है और इसका प्रयोग क्या है। तो चित्र में देख रहे हैं यह हथौड़ी है। इंजीनियरिंग हैमर एक हस्त औजार मतलब हैंड टूल है। इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्य करते समय प्रहार मतलब चोट देने हेतु किया जाता है, जैसे पंचिंग, बंकर मतलब बैंडिंग सीधा करना, फिर चिपिंग, फोर्जिंग, रिविटिंग और पिनिंग। इसी को हम हैमर या हथौड़ी बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं तो क्या है, यह एक हैमर है और इसका दूसरा नाम इंजीनियरिंग हथौड़ी भी है। तो इंजीनियरिंग हथौड़ी एक हैंड टूल है। इसका प्रयोग विभिन्न कार्य करते समय चोट देने हेतु किया जाता है। हैमर का प्रयोग पंचिंग में किया जाता है। ये देख रहे हैं पंच है, तो किसी जॉब पर अगर हमें पंचिंग करना है तो ये तो हैमर के द्वारा ही पंच पे चोट दिया जा रहा है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं पंचिंग। हैमर का प्रयोग बैंडिंग में किया जाता है। जैसे ये देखें एक मेटल है और इसे अगर मोड़ना है तो हैमर के द्वारा ही इसे मोड़ते हैं। हैमर का प्रयोग स्ट्रेटिंग में किया जाता है मतलब सीधा करने में। जैसे ये जॉब है, अगर ये जॉब क्या है टेढ़ा है, तो इसे अगर हमें सीधा करना है तो हथौड़ी के द्वारा ही सीधा करेंगे। हैमर का प्रयोग चिपिंग में किया जाता है। जैसे ये जॉब है और इसके ऊपर के सतह को ये जो छेनी है, छेनी के द्वारा हल्का छिलना है, तो इस क्रिया को चिपिंग कहते हैं। तो इसमें हैमर का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी को भाती बोलते हैं और इसमें लोहा को गर्म किया जाता है और गर्म करके उसमें आकार दिया जाता है और इसमें गर्म लोहा को आकार दिया जा रहा है। तो इसी क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं और फोर्जिंग के दौरान हम देख रहे हैं कि हैमर का प्रयोग किया जा रहा है। तो हैमर का प्रयोग कहाँ होता है, फोर्जिंग करने में मतलब लोहा को गर्म करके आकार देने के क्रिया में हैमर का प्रयोग किया जाता है और इसी क्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। हैमर का प्रयोग रिवेटिंग में भी किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये एक रिवेट है और इसके द्वारा दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना है, तो इसमें रिवेट को फंसाते हैं और फिर हैमर के द्वारा इस पे चोट देते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि हैमर का प्रयोग रिवेटिंग में भी किया जा रहा है। हैमर का उपयोग पिनिंग में भी किया जाता है। तो पिनिंग क्या हो गया, पिनिंग हो गया किसी जॉब पर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हैमर के द्वारा उस वेल्डिंग बीड पे चोट मारा जाता है, तो इसी क्रिया को पिनिंग कहते हैं। तो यहां हमने देखा कि इस पर वेल्डिंग की है, तो वेल्डिंग के कारण इसमें क्या हो गया, स्ट्रेस उत्पन्न हो गया। तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो यह वेल्डिंग बीड है, तो वेल्डिंग बीड पर हैमर के द्वारा धीरे धीरे चोट देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेस होता है वह कम हो जाता है, तो इसी क्रिया को हम पिनिंग बोलते हैं। हथौड़ी के मुख्य भाग
हथौड़ी के मुख्य भाग पहला शीर्ष हेड और दूसरा हत्था हैंडल होता है, तो इस भाग को शीर्ष मतलब हेड बोलते हैं और इस भाग को हैंडल बोलते हैं। हथौड़ी का मुख्य भाग, तो हथौड़ी के दो मुख्य भाग होते हैं, पहला शीर्ष मतलब हेड, ये जो देख रहे हैं ये हो गया शीर्ष, और दूसरा हत्था मतलब हैंडल, ये जो देख रहे हैंडल, ये देखिए ये हो गया हैंडल और ये हो गया शीर्ष हेड। हैमर का शीर्ष ड्रॉप फॉर्जित कार्बन इस्पात से बनाए जाते हैं, जबकि लकड़ी के हैंडल झटके को बर्दाश्त करने योग्य होता है। तो ड्रॉप फॉर्जित क्या हो गया, इसमें डाई का प्रयोग होता है। ड्रॉप फॉर्जित में डाई का प्रयोग होता है, डाई के अंदर का भाग खोखला होता है जिसमें बनाए जाने वाले पार्ट की आकृति के अनुसार खाचा बना होता है, ठीक। और डाई दो भागों में बनी होती है, नीचे वाला भाग एनविल पे टिका होता है और फिर धातु को गर्म करके डाई के नीचे वाले भाग पे सेट करते हैं और ऊपर वाला डाई भाग को ज्यादा ऊंचाई से ले जाकर नीचे क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है, और इस प्रकार दोनों डाई आपस में जुड़ जाते हैं और खांचे के अनुसार धातु का शक्ल प्रदान करते हैं। तो इसी विधि का प्रयोग कर हैमर का निर्माण होता है। हैमर के शीर्ष मतलब हेड को, ये जो देख रहे हैं हेड को, तो हेड को ड्रॉप फॉर्जित कार्बन इस्पात से बनाए जाते हैं, जबकि ये जो हैंडल है लकड़ी का हैंडल है, इसे झटका को बर्दाश्त करने योग्य होना चाहिए। मतलब जब हम हैमरिंग करें, ठीक है, हैमर के द्वारा किसी जॉब पे चोट दें, तो यह हैंडल क्या होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, मतलब यह झटका को बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। हथौड़ी के शीर्ष के भाग, मतलब जो ये हथौड़ी का हेड है उसके भाग, तो हथौड़ी के शीर्ष के भाग पहला हो गया पिन, इसे हम पिन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया फलक फेस, तीसरा हो गया चीक और चौथा हो गया नेत्र छेद आई होल। तो ये जो देख रहे हैं ये हो गया पेन या पिन, और ये वाला भाग हो गया फेस, और ये हो गया चीक, और इसे बोलते हैं आई होल। हथौड़ी के शीर्ष मतलब हेड के भाग, ये जो हेड देख रहे हैं तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में बताया जा रहा, तो इसमें पहला भाग हो गया पेन, जो ये देख रहे हैं ऊपर इसे बोलते हैं पेन, और दूसरा हो गया फेस, जो ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं फेस, फिर हो गया तीसरा चीक, जो ये भाग है इसे चीक बोलते हैं, और चौथा हो गया आई होल, जो ये जो देख रहे हैं इसे हम आई होल बोलते हैं। फलक फेस, तो फेस चोट लगाने वाला हिस्सा होता है, फेस के किनारों से गड्ढा ना हो इसलिए फेस को थोड़ा सा कन्वेक्सिटी में बनाया जाता है। फेस, तो ये जो देख रहे हैं इस भाग को फेस बोलते हैं, फेस या फलक, तो फेस चोट लगाने वाला हिस्सा है, तो ये जो फेस है क्या है, चोट मारने वाला हिस्सा है। फेस का किनारों से गड्ढा ना हो, जो इसका फेस का जो ये किनारा देख रहे हैं बाहर बाहर, तो इससे गड्ढा ना हो इसलिए फेस को थोड़ा सा कन्वेक्सिटी मतलब बाहर की तरफ या गोलाई में बनाया जाता है। जैसे कि ये एक मेटल है और इस मेटल पर अगर हम चोट देते हैं तो इसके किनारे से यहाँ पे गड्ढा नहीं हो इसलिए इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ गोलाई में देते हैं, मतलब कन्वेक्सिटी देते हैं। और यहाँ देखें ये जो हैमर है इसका, इसमें कन्वेक्सिटी नहीं दिया गया, मतलब इसमें बाहर की तरफ गोलाई नहीं बनाया गया है। अगर हम इससे इस पे हैमर को मारेंगे तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, देखिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, जॉब पे
निशान आ चुका है, यह थोड़ा सा गड्ढा हो चुका है, और यही अगर हम कन्वेक्सिटी लिए हुए हैमर के द्वारा मारेंगे तो इससे गड्ढा नहीं होगा। यहां देख रहे हैं किसी भी प्रकार का निशान नहीं आया, तो इसीलिए हैमर के फेस को थोड़ा सा कन्वेक्सिटी मतलब बाहर की तरफ गोलाई में बनाया जाता है। फेस का प्रयोग चिपिंग, बैंडिंग, चपटा करना, पंचिंग में चोट देने के लिए किया जाता है। हैमर का फेस का प्रयोग, जो हैमर है, हैमर का ये जो फेस है, तो फेस का प्रयोग चीपिंग, बैंडिंग, फ्लैटिंग और पंचिंग में चोट देने के लिए करते हैं। जैसे चीपिंग, तो इस मेटल से अगर हमें कुछ धातु को हटाना है तो छेनी के द्वारा इस पर क्या करते हैं, चीपिंग। तो हम चोट किससे दे रहे हैं, हैमर के फेस के द्वारा। बैंडिंग करना मतलब मोड़ना, अगर हमें इसे मोड़ना है तो हैमर के फेस के द्वारा ही मोड़ेंगे। हैमर का फेस का प्रयोग फ्लैटरिंग के लिए भी किया जाता है, मतलब चपटा करने के लिए। जैसे इसके जो यह एक रड है, रड को कुछ चपटा करना है, तो इसमें हैमर के फेस के द्वारा ही करते हैं। फेस का प्रयोग पंचिंग में करते हैं, जैसे ये देखिए ये पंच है और पंचिंग करना है, तो यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो फेस है, फेस का प्रयोग चीपिंग, बैंडिंग, चपटा करना और पंचिंग में। दूसरा, पेन या पिन, हेड का दूसरा सिरा पेन या पिन कहलाता है। का हेड का मतलब शीर्ष का दूसरा सिरा पेन या पिन कहलाता है। जैसे ये देखिए, तो हैमर का ये हेड हो गया, तो हेड का एक सिरा क्या है, फेस, और दूसरा सिरा क्या हो गया, पेन। इसे हम पिन भी बोल सकते हैं, तो हेड का दूसरा सिरा पिन या पेन कहलाता है। इसका उपयोग कार्ड को आकार एवं स्वरूप देने हेतु होता है, जैसे रिवीटिंग और मोड़ना। हैमर के पेन या पिन का उपयोग कार्य को आकार एवं स्वरूप मतलब शेपिंग एंड फॉर्मिंग हेतु होता है, जैसे रिवीटिंग और मोड़ना। जो हैमर का ये जो पेन देख रहे हैं, इसका उपयोग रिवीटिंग में करते हैं। जैसे ये रिवीट हो गया, और रिवीट के द्वारा अगर दो पार्ट को जोड़ना है तो ये रिवीटिंग हो गया। पेन का उपयोग मोड़ने में या फॉर्मिंग करने में भी किया जाता है। पेन तीन आकार में होते हैं, पहला बॉल पेन, दूसरा क्रॉस पेन और तीसरा स्टेट पेन। तो ये देख रहे हैं बॉल पेन, ये हो गया क्रॉस पेन और ये हो गया स्टेट पेन। हैमर का पेन या पिन तीन आकार में होते हैं, पहला हो गया बॉल पेन, तो ये जो देख रहे हैं यह हो गया बॉल पेन, दूसरा हो गया क्रॉस पेन, ये देखिए दूसरा हो गया क्रॉस पेन, और तीसरा हो गया स्टेट पेन। तो ये देखिए ये हो गया तीसरा स्टेट पेन। फलक और पेन कठोरीकृत मतलब कठोर होते हैं। हैमर के फेस, ये जो फेस है, और पेन, ये जो पेन है, दोनों कठोरीकृत मतलब कठोर होते हैं। तीसरा चीक, तो चीक हथौड़ी के हेड का बीच का भाग होता है। चीक, तो हैमर के इस भाग को चीक बोलते हैं, तो चीक हथौड़ी के हेड के बीच का मध्य भाग है, तो हथौड़ी का हेड, तो ये जो देख रहे हैं हथौड़ी का हेड हो गया, तो इसके बीच के भाग को चिक बोलते हैं, इस भाग को। हथौड़ी का वजन इसी पे अंकित किया जाता है। हथौड़ी का वजन चिक पर ही अंकित होता है, तो यहां देखिए
चीक पर ही हैमर का वजन अंकित है 250 ग्राम। हथौड़ी के हेड का यह भाग मुलायम छोड़ दिया जाता है। हथौड़ी के हेड का यह भाग मतलब जो यह चीक है, तो चीक को मुलायम छोड़ दिया जाता है, यह भाग मुलायम होता है। चौथा, आई होल। हथौड़ी में हैंडल लगाने के लिए आई होल होता है। आई होल, तो ये जो देख रहे हैं इस भाग को आई होल बोलते हैं। ये देखिए, इसी भाग को आई होल बोलते हैं। और हथौड़ी में हैंडल को, ये जो हैंडल है, तो हैंडल को हम आई होल में ही लगाते हैं। हाँ, आई होल में क्या लग रहा है? हैंडल। इसको इस तरह से आकार दिया जाता है जिससे कि हैंडल उसमें मजबूती से फिट हो सके। आई होल को इस तरह से आकार दिया जाता है जिससे कि जो हैंडल है इसमें मजबूती से फिट हो सके। पच्चर मतलब बेज हैंडल को आई होल में कस देता है। पच्चर, बेज, जो यह देख रहे हैं इसी को पच्चर या बेज बोलते हैं। तो यह बेज हैंडल को, ये जो हैंडल है, हैंडल को आई होल, ये जो आई होल है, आई होल में कस देता है। तो यह इस प्रकार कसता है। ये देखिए, ये हैंडल है और हैंडल में एक ग्रुप कटा हुआ, और इसी ग्रुप में जाकर ये जो पच्चर है ये सेट हो जाता है। देखिए, ये देखिए सेट होता है। तो इसी प्रकार ये हैंडल जाकर आई, ये जो आई होल है इसमें टाइट कर देता है हैंडल को। तो इसके पहले आई होल में हैंडल को सेट करें। और ये जो पच्चर है, पच्चर को इसमें सेट करें और हैमर के द्वारा इस पे चोट दें। तो ये क्या कर रहा है? हैंडल को आई होल में मजबूती से पकड़ रहा है। पेन मतलब पेन या पिन के अनुसार इंजीनियरिंग हथौड़ी तीन प्रकार के होते हैं। पहला बॉल पेन हैमर, दूसरा क्रॉस पेन हैमर, तीसरा स्ट्रेट पेन हैमर। तो ये देख रहे हैं बॉल पेन हैमर, ये हो गया क्रॉस पेन हैमर, और ये हो गया स्ट्रेट पेन हैमर। हैमर का पेन या पिन के अनुसार इंजीनियरिंग हथौड़ी तीन प्रकार के होते हैं। पहला बॉल पेन हैमर, तो ये जो देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं बॉल पेन हैमर। दूसरा हो गया क्रॉस पेन हैमर, जो यह हैमर देख रहे हैं इसे बोलते हैं क्रॉस पेन हैमर। और तीसरा हो गया स्ट्रेट पेन हैमर, ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं स्ट्रेट पेन हैमर। हथौड़ी के पेन का उपयोग, तो पहला बॉल पेन, बॉल पेन हैमर का उपयोग। तो ये जो चित्र में देख रहे हैं यह बॉल पेन हैमर है। तो बॉल पेन हैमर का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। इसी को बॉल पेन हैमर बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं ऊपर क्या है, एक गेंद की आकृति का बना हुआ है, ठीक है। तो यह बॉल पेन हैमर है, इसका प्रयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो बॉल पेन हैमर है इसका प्रयोग रिवेटिंग में किया जाता है। ये रिवेट हो गया और इसके द्वारा ये जो दो पार्ट है इसको जोड़ा जाता है, और फिर ये जो बॉल पेन है इसके द्वारा इसे रिपीटिंग किया जाता है। पेन का अध गोलाकार आकार खोखला करने के लिए प्रयुक्त होता है। हथौड़ी के पेन का अध गोलाकार आकार, ये जो अध गोलाकार आकार है इसका प्रयोग खोखला करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि ये देखिए, यह एक सीट है और इसे अगर हमें खोखला करना है, ठीक, तो ये बॉल पेन हैमर के प्रयोग से ही करते हैं।
तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो सीट क्या हो रहा, थोड़ा कटोरी की आकृति के नुमा बन रहा, तो किसके सहायता से, ये जो बॉल पेन हैमर के द्वारा ही इसे खोखला किया जा रहा है। एक बिल्डर बॉल पेन हथौड़ी का उपयोग पंचिंग, चिजलिंग, पीलिंग, मोड़ को हटाना और सीट को सीधा करने के लिए करता है। बिल्डर, तो बिल्डर क्या हो गया, जो बिल्डिंग का काम करता है उसे बिल्डर कहते हैं। तो एक बिल्डर बॉल पेन हैमर का उपयोग पीनिंग, पंचिंग और चिजलिंग और धातु को मोड़ने और सीधा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ हम पहले पीनिंग दिखाते हैं। तो पीनिंग हो गया, जब बिल्डर किसी मेटल पे बिल्डिंग करता है तो उसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बिल्डिंग बीट पर हैमर के द्वारा चोट दिया जाता है, तो इसी क्रिया को पिनिंग कहते हैं। तो इसमें बिल्डिंग के बाद स्ट्रेस उत्पन्न हो गया, तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए बॉल पेन हैमर के द्वारा एक बिल्डर इस पे चोट देता है। जिससे इसमें उत्पन्न स्ट्रेस कम हो जाता है। पंचिंग में करता है, जैसे चीपिंग में प्रयोग होता है, मोड़ने में प्रयोग होता है, जैसे इस मेटल को मोड़ना है तो हैमर के द्वारा, सीधा करने में प्रयोग होता है, जैसे ये मुड़ा हुआ है तो इसे सीधा हैमर के द्वारा ही करते हैं। बॉल पेन हैमर का उपयोग धातु को कटिंग करते समय छेनी पर चोट देने के लिए करते हैं। पेन हैमर का इस्तेमाल धातु को, ये जो देख रहे हैं, धातु को कटिंग करते समय छेनी पर, ये जो छेनी है, छेनी पर चोट देने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमें इसे काटना है तो छेनी पे बॉल पेन हैमर के द्वारा चोट देते हैं। दूसरा क्रॉस पेन, क्रॉस पेन हैमर। तो ये जो चित्र देख रहे हैं यह क्रॉस पेन हैमर है। क्रॉस पेन हैमर का उपयोग धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए किया जाता है, को क्रॉस पेन हैमर बोलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसका जो भी आकृति है हैंडल के क्रॉस में है, ठीक है, तो इसलिए यह क्रॉस पेन हैमर है। और इसका प्रयोग धातु को, ये जो धातु है, धातु को एक दिशा में फैलाने के लिए करते हैं। जैसे ये देखिए, इससे धातु क्या हो रहा, फैल रहा है, मतलब एक दिशा में धातु को फैलाने के लिए हम क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। तीसरा सीधा पेन, स्ट्रेट पेन हैमर। तो ये जो देख रहे हैं यह स्ट्रेट पेन हैमर है। सीधा पेन हैमर का उपयोग कोनों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेट पेन हैमर, तो इसे हम स्ट्रेट पेन हैमर बोलते हैं। इसका जो ये देखिए भी आकृति है यह हैंडल के सीध में होता है। ये देखिए, ये जो भी आकृति है हैंडल के सीध में होता है, तो इसलिए इसे स्ट्रेट पेन हैमर बोलते हैं। और ये देखिए, ये है क्रॉस पेन हैमर, तो ये क्या है, भी हैंडल के क्रॉस में है, तो ये हो गया क्रॉस पेन हैमर और ये हो गया स्ट्रेट पेन हैमर। और स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग कोनों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग कोनों पर, एक पिन है तो पिन को ठोकने के लिए किया जा रहा है। तो यहां जो ये स्ट्रेट पेन हैमर है इसका प्रयोग कोनों पर कार्य करने के लिए, जैसे ये देखिए एक जॉब है तो इसका ये कोना हो गया और कोना पर एक पिन है और इसे ठोकने के लिए हम स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। यहां एक क्रॉस पेन हैमर है, अगर क्रॉस पेन हैमर से
इस पिन को ठोकेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए नहीं ना ठोका रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट पेन हैमर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, तो स्टेट पेन हैमर ये पिन पे जाएगा और इसे देखिए, तो यही चीज बोला जा रहा है कि स्टेट पेन हैमर का उपयोग कोनों पर कार्य करने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिकेशन मतलब विशेष वर्णन, तो इंजीनियर हैमर को सदैव उसके भाग और पेन के आकार से वर्णित किया जाता है, मतलब स्पेसिफाई किया जाता है। इंजीनियर हैमर को सदैव उसके भार और पेन के आकार से वर्णित किया जाता है, मतलब स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि हैमर का भार कितना है, 250 ग्राम कि 500 ग्राम, और उसके पेन का आकार, जैसे ये बॉल पेन हैमर, ये हो गया क्रॉस पेन हैमर, और ये हो गया स्टेट पेन हैमर। इसका भार 125 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक होता है। इसका भार 125 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक होता है। चिन्हन कार्ड मतलब मार्किंग के लिए इंजीनियर हथौड़ी का भार 250 ग्राम होता है। मार्किंग कार्ड के लिए इंजीनियरिंग हथौड़ी का भार 250 ग्राम होना चाहिए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं ये 250 ग्राम इंडिकेट है, और इसका प्रयोग मार्किंग के कार्ड में, जैसे ये जॉब है और जॉब पर हमें मार्किंग करना है, ठीक है, पंच के द्वारा, तो उस समय हमें 250 ग्राम वाले हैमर का प्रयोग करना पड़ेगा। बेल्डर द्वारा उपयोग होने वाला इंजीनियरिंग हथौड़े का भार 1000 ग्राम तथा चिन्हांकन प्रयोजन के लिए मतलब मार्किंग के उद्देश्य के लिए 500 ग्राम होता है। एक बेल्डर, तो बेल्डर क्या हो गया, जो बेल्डिंग का काम करता है उसे हम बेल्डर कहते हैं। तो बेल्डर द्वारा उपयोग होने वाला इंजीनियरिंग हथौड़े का भार 1000 ग्राम तथा मार्किंग पर्पस के लिए 500 ग्राम होना चाहिए। मशीन शॉप एवं फिटिंग शॉप के साधारण कार्डों में बॉल पेन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन शॉप या फिटिंग शॉप के साधारण कार्डों में बॉल पेन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। हथौड़ी के इस्तेमाल से पूर्व, पहला सुनिश्चित कर ले कि हैंडल ठीक से कसी हो। हथौड़ी के इस्तेमाल से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि हैंडल ठीक से कसी हो। जैसे यहाँ देखिए, यह हैंडल क्या है, थोड़ा ढीला है, तो यह सुनिश्चित कर ले इसका उपयोग से पहले कि यह ढीला ना हो, तो इसे टाइट कर ले। तो यही चीज बोला जा रहा है कि हैमर का उपयोग जब भी करें तो यह सुनिश्चित हो ले कि हैंडल ठीक प्रकार से कसी हो। दूसरा, जॉब के अनुरूप उचित भार का हथौड़ी का चयन करें। जॉब के अनुरूप उचित भार का हथौड़ी का उपयोग करें। अगर हमें भारी कार्य करना है तो उसके लिए भारी हथौड़ी का उपयोग करें, अगर हमें हल्का काम करना है तो उसके लिए हल्का हथौड़ी का उपयोग करें। तीसरा, हैंडल और शीर्ष मतलब हेड में दरार के लिए जांच कर लें। हथौड़ी के हैंडल, ये जो हैंडल और शीर्ष मतलब हेड, दोनों में किसी भी प्रकार का क्रेक ना हो या चेक कर लें। यहाँ चेक कर लें कि इसमें किसी भी प्रकार का क्रेक ना हो और इसके हेड में भी किसी भी प्रकार का क्रेक ना हो। अगर क्रेक होगा तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। चौथा, सुनिश्चित करें कि हथौड़ी के फलक के ऊपर कोई तेल या ग्रीस ना लगा हो। सुनिश्चित करें कि हथौड़ी के फलक, मतलब ये जो हथौड़ी का फेस है, इसके ऊपर कोई तेल या ग्रीस ना हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर तेल लगा हुआ, देखें इसके फलक पे तेल लगा हुआ, तो इसे साफ कर लें। अगर साफ नहीं करेंगे तो जब इससे चोट मारेंगे तो वह स्लिप करेगा और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। पांचवा, यह सुनिश्चित कर लें कि हथौड़े का उपयोग करते समय हैंडल को सदैव उसके किनारा सिरा पर पकड़े।
सुनिश्चित करें कि हथौड़े का उपयोग करते समय हैंडल को सदैव किनारा पर पकड़ें। जैसे ये देखिए, ये हथौड़ी हो गया और हैमर को सदैव किनारा पर धरें, यहाँ पे, न कि यहाँ पे। हैमर को सदैव कहाँ धरना चाहिए? यहाँ पे, किनारा पे, और तब इसका उपयोग करना चाहिए।